गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान की रची इस दुनिया में तरह तरह के प्राणी हैं, लेकिन इस घर में रहने वाला प्राणी सेठ रंजीत राय अपने आप में एक अजीब और गरीब किस्म का है। इसका ये मानना है कि जिस तरह से मच्छर सिर्फ इंसानी खून चूसने के लिए बनाया गया है, मक्खी कूड़े कचरे पर बैठने और सिर्फ बीमारियां फैलाने के लिए बनाई गई है, उसी तरह से गरीब को भी सिर्फ अमीरों का खून चूसने के लिए और उनकी जिंदगी में बीमारियां फैलाने के लिए बनाया गया है। इसीलिए इस अमीर महाशय को गरीबों से सख्त 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 नफरत है। साला वही हाथ रखता है जहां मैं पैर रखता हूँ। गलती हो गई सेठ जी। साला गरीब कहीं का। संभालिए सेठ जी। अरे तूने मुझे छुआ? नहीं। हाथ लगाया तूने मुझे? मगर कहीं आप गिर जाते तो? हाँ मैं गिर जाता, मेरा सर फट जाता। तूने मुझे छुआ क्यों? मादर भगत कुत्ता कमीना भाग यहां से। ए लक्ष्मण, ए बहादुर, अरे जल्दी से पानी निकालो, डिटॉल निकालो। तौबा तौबा तौबा, घिस घिस के नहाना पड़ा तब कहीं बदबू गई मेरे बदन से गरीबी की। ए पूरी दे जल्दी। जी। दूर से जरा। हल हल हल। अरे कौन है, कौन है, कौन है ये बदतमीज? मैं आपका जीजा हूँ साला जी, साला हूँ जीजा जी। अबे साले के बच्चे, ये डाइनिंग टेबल तुझे गटर लग रहा है जो तू फ्लिक मार रहा है? ये सब आपकी सेहत के लिए कर रहा हूँ जीजा जी मैं। क्या मतलब?
अरे भाई आपका गरीब ने छुआ तो आपको डिटॉल से और एडुकोलोन के पानी से नहाना पड़ा। ये जो खाना आप खा रहे हैं ना ये भी एक गरीब ने बनाया है और मैं नहीं चाहता कि इसके कीटाणु आपके अंदर घुस जाएं। ये पूरी खाई आपने? खाई पूरी खाई। मुंह खोलो। अरे ये क्या कर रहा है? गरीबी के कीटाणु मार रहा हूँ। निकल जाए यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? जानते नहीं मरते वक्त मेरी बहन ने क्या कहा था आपसे? क्या कहा था? कि जब तक आपकी चिता को मैं आग नहीं लगाऊं आपकी अस्थियां नहीं बहाऊं इस घर को छोड़कर नहीं जाना। और मैं जब तक आपकी चिता को आग नहीं लगाता आपकी अस्थियां गटर में नहीं बहाता इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा चिता जी, नहीं जाऊंगा मैं। अरे भगवान तू तो स्वर्ग चली गई लेकिन इस नरक के दरोगा को मेरे पीछे लगा के गई। ए अब्दुल गाड़ी निकाल। कहाँ जा रहे हो? खुद खुशी करने। मैं भी आऊंगा। किस लिए? मुझे आप पे भरोसा नहीं है। आई डोंट बिलीव यू। अब इस घर में रहने वाले महाशय सेठ हरबंसलाल से मिलते हैं। गरीबों से नफरत के मामले में तो ये रणजीत राय से भी 10 कदम आगे हैं। लोगों का नारा है गरीबी हटाओ, ये कहते हैं गरीबों को हटाओ। कुलकर्णी वो कीड़े मकोड़े वो गंदगी वो गरीब उस बस्ती से निकाले गए कि नहीं जहां मैं 5-स्टार होटल बनाना चाहता हूं। सर मधु बेटे ने हमें वो बस्ती तोड़ने से रोक दिया, उन्होंने कहा कि उनकी सहेली वहां रहती है। ओफ़ो, दिस मधु की गरीब सहेली, I hate her। अरे ब्रजेश तू तो बिजनेस के लिए जर्मनी गया था, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? वो दरअसल मेरी बेटी रमा। वो ठीक तो है ना? I hope she's all right। ऐसी कोई बात नहीं है, she's absolutely fine। रमा बेटे, ब्रजेश तूने अपनी बेटी की शादी कर दी और अपने बड़े भाई को बताया तक नहीं। भाई साहब हालात ही कुछ ऐसे थे, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे इसीलिए मुझे इन दोनों की शादी करानी पड़ी। अच्छा ब्रजेश एक बात बता, इस लड़के की हैसियत इसका खानदान अपने बराबरी का तो है ना? भाई साहब अब आपसे क्या छुपाऊं, ये लड़का मेरे ड्राइवर गणपत का बेटा है। What? हाँ। No! 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 जिस घर में कुत्ते भी नस्ल देखकर पाले जाते हैं उस घर का दामाद एक ड्राइवर का बेटा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये जलील हरकत करके मेरे सामने आने की? अगर मेरी बेटी ने ये किया होता तो गोली मार देता उसे, और इससे पहले कि मेरे हाथों से तेरा खून हो जाए चला जा यहां से ब्रजेश, गेट आउट, और इस गंध को भी अपने साथ ले जा, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना समझा? नाउ गेट आउट, आई सेड गेट आउट। रिलैक्स भाई साहब रिलैक्स, मैं तो यहां इन बच्चों को अपने बड़े भाई का आशीर्वाद दिलाने आया था, मगर खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मगर जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा, इतना घमंड इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। अरे चांद और सूरज को भी ग्रहण लगता है तो फिर इंसान की औकात ही क्या है? भगवान न करे कल आपको ये दिन देखना पड़े क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। God bless you, Mr. Arbansla. God bless you. भगवान न करे कल आपको ये दिन देखना पड़े क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। गाड़ी क्यों रोकी? नो एंट्री सर। नो एंट्री गई बाहर में, गाड़ी चला। यस सर। अरे कौन उल्लू का पट्टा है जो नो एंट्री में घुसा चला रहा है? कौन है ये गधे का बच्चा, उसको बोलो गाड़ी पीछे ले। ए गाड़ी पीछे ले। अरे कौन है ये चिड़ी मार के औलाद, देखो तो। साले गाड़ी पीछे ले वरना सर तोड़ दूंगा। अरे तू गाड़ी पीछे ले वरना। अरे हरबूत तू रंजीते। हरबू एक बात कहूँ? कहो कहो। 20 साल में तू बिल्कुल नहीं बदला। अच्छा, थैंक यू। पहले भी गंजा था आज भी गंजा है। रंजीते बदला तो तू भी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले भी काला था और आज भी काला है। रंजीते कितना अजीब इत्तेफाक है यार कि एक शहर में रहने के बावजूद हम इतने बरसों तक नहीं मिले। लेकिन अब तो मिल गए ना। हाँ यार। चल मेरे साथ। लेकिन अरे मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन ये तो बता किसकी बेटी है? टेक्सटाइल किंग ब्रिजेश लाल की बेटी।
क्या? ब्रजेश लाल? फिर तो तेरा वहां जाना बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि ब्रजेश लाल मेरा छोटा भाई है और उसकी बेटी ने एक ड्राइवर के बेटे के साथ शादी कर ली। What? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ रंजीते, कल को ऐसी बेवकूफी हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसा अनर्थ ना हो इसलिए इसका तोड़ निकालने के लिए तू चल मेरे साथ। कहाँ? बैरिस्टर गोखले के पास चलना। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ मिस्टर हरबंस लाल, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार बच्चे बालिग हो गए तो वो जब चाहें जिससे चाहें शादी कर सकते हैं, और उन्हें ऐसा करने से धर्म, समाज, कानून कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ वकील साहब, ताकि कल मेरी बेटी किसी ड्राइवर या माली के बेटे के साथ भागकर शादी न कर ले। अगर अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसा ना हो उसका कोई तोड़ कोई उपाय बताइए वकील साहब। रकम? रकम मैं आपको मुंह मांगी दे दूंगा। यही आप अमीरों की खासियत है, भले से भले आदमी से बुरा काम करवा लेते हैं। खैर, अब इसका कोई ना कोई तोड़ तो निकालना ही होगा ना। ये रहा कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट। इसका क्या करूं मैं? इस पर आप अपनी बेटी के दस्तखत ले लीजिए। क्या कह रहे हैं आप वकील साहब? दस्तखत लेते वक्त मुझसे पूछेगी नहीं कि मैं उससे क्या करवा रहा हूं? क्यों नहीं पूछेगी? जरूर पूछेगी। इसीलिए आपको ये दस्तखत धोखे से लेने होंगे। धोखे से? चलो ले लूंगा। फिर आप उसकी शादी जिसके साथ करवाना चाहते हैं उसके दस्तखत यहां ले लीजिए। अच्छा, फिर 5 गवाहों के और रजिस्ट्रार के दस्तखत मैं करवा लूंगा। फिर क्या? फिर फुर हो गए ना दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी। You're a genius. Ranjit, he's simply a genius. Genius. ये लीजिए, चेक, ब्लैंक चेक। अमाउंट आप खुद भर लीजिए। ये ब्लैंक चेक मेरा भी, मेरे लिए भी ऐसा ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। Why not? अरे रंजीते, तुझे इसकी क्या जरूरत पड़ी? अरे हरबू, जो डर तुझे है वो डर मुझे भी है, क्योंकि मेरा बेटा शराफत की मिसाइल है, मिसाइल। जमूरे शुरू हो जा। मेहरबान कदरदान पानदान उगाल दान थूक दान कमीनों का खानदान, आई जरा एक नजर इधर भी मेरी जान। ये सांडे का तेल है, सांडे का तेल, तेल एक कारनामे अनेक, दिल में खोट हो या बदन में चोट हो, जख्म नया हो या पुराना, बस एक बार इस तेल को लगाना। और एक खास बात मेरे दोस्तों, तेल बेचने वाला कोई आम आदमी नहीं, ये तो करोड़पति सेठ रंजीत राय का बेटा है, बेटा है, बेटा है। तो अब ये उस करोड़पति बाप बेटा। अरे हरामखोर, बेहया, बेशरम, तू मेरे ऑफिस के सामने इस कमीने के साथ मिलकर सांडे का तेल बेच रहा है, मेरी इज्जत का कचरा कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? दोस्तों, यही है रंजीत राय। एक मासूम बच्चा जिसका खर्चा पानी बंद कर दिया गया हो, वो सांडे का तेल नहीं तो क्या हाथी का तेल बेचेगा? अरे तू हाथी का तेल बेच या तू चूहे का, लेकिन मेरे ऑफिस के सामने नहीं। ए, देख क्या रहे हो, उठा के फेंक दो ये टिन टप्पर, उठाओ। अरे और तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाओ जाओ। और सुन, जब तक तू इस फटीचर 2 कौड़ी के मोटर मैकेनिक की संगत नहीं छोड़ता, मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझा? चलो। अजय, तेल की दुकान तो बंद हो गई, अब क्या करें? राजा, तेल की दुकान तो बंद हो गई, अब उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ेगा। अरे यार, माना कि तुम रंजीत राय की औलाद हो, लेकिन तुम्हारे ही डैडी ने हमें फोन करके हुक्म दिया है कि तुम्हारा कोई चेक पास ना किया जाए। और यार, हम उनका हुक्म नहीं टाल सकते, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा बैंक चलता है और मैं अपना बैंक बंद नहीं करना चाहता। Why don't you understand? देखिए, मैं आपसे कह चुका हूँ आपको मेरा चेक पास करना ही पड़ेगा। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। यू टोर माई चेक? Yes. Yeah.
मैं अजय बोल रहा हूँ। बोल मेरे लाल। आपका लाल पीला हो चुका है क्योंकि इस 2% के मैनेजर ने मेरा चेक फाड़ दिया। क्या चेक फाड़ दिया? मैं अभी आता हूँ। यू कम सून डैड। गुड मॉर्निंग सर। मैनेजर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका चेक फाड़ने की? अरे आप है कौन? आई मैं कौन? अरे मैं वो हूँ जिसकी वजह से तेरी औलाद बिस्कुट खाती। हाथ मत लगाना। मैं वो हूँ जिसकी वजह से तेरी बीवी गहने पहनती। दूर से बात करो। मैं वो हूँ जिसकी वजह से तेरे गले में कंठ लंगोट टंगा है। अरे मैं तेरा बाबू रंजीत राय। अच्छा? रंजीत राय माफ कर दीजिएगा सर, मैं गधा हूँ, उल्लू हूँ सर। मेरा अभी भी ट्रांसफर हुआ इसलिए मैं आपको पहचान नहीं सका। माफ कर दीजिएगा सर, गुस्सा थूक दीजिए सर, गुस्सा थूक दीजिए प्लीज। एक बात बताओ सर, आप ही ने मुझे फोन करके कहा था कि आपके बेटे का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। मैंने फोन किया था। आप ही ने तो किया था फोन। अपनी इकलौती औलाद का अकाउंट बंद करने के लिए मैंने फोन किया था? हाँ। अरे जिसके पैदा होने की मन्नत मांगने के लिए मैं राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक गया। अच्छा? हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक गया। अरे मधुबाला से लेकर मीना कुमारी तक गया। और इतना ही नहीं, जब पूरे 10 साल तक अलग रहा इसकी माँ से, तब जाकर कहीं पैदा हुआ ये शेखू। 10 साल अलग रहने के बावजूद पैदा हुआ ये शेखू। अजा। हाँ। और ऐसे बेटे की आंखों में आंसू। शेखू बाबू, शेखू बाबू, मेरे बेटे, मेरे लाल, अरे मेरे बेटे। सर मत रोइए प्लीज। अरे रोएगा तो तू जब खेलेंगे हम हुत तो तू, और थूकेंगे तेरे मुंह पर तू 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 तू। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे पहचानने से इनकार करता है और कहता है गलती हो गई। मेरा चेक फाड़ दिया और कहता है गलती हो गई। मेरे शेखू को रुलाया और बोलता है गलती हो गई। अबे तू पैदा क्यों हुआ था? मेरे बाप से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। इसके साथ क्या किया जाए? माफ कर देते डैडी। जा मोटू, कैश लेकर आ। ऑपरेशन नंबर 2। हेलो, रंजीत राय स्पीकिंग। हेलो, मैं फेडरल बैंक का कैशियर तलवड़े बोल रहा हूँ। हाँ बोलो तलवड़े, बोलो। आपके मना करने के बावजूद मैनेजर गायतुंडी ने आपके बेटे को 5 लाख रुपए दे दिए। क्या 5 लाख रुपए दिए? मैं अभी उस बैंक मैनेजर को 5 लाख जूते लगाता हूँ, हरामखोर साला। अरे बापू आ रहे? आ रहे नहीं सर, आ गए। बेटे को, बेटे को ये लीजिए सर, पूरे 5 लाख रुपए। लेकिन बेटा एक बात बता, वो कौन कमजर्फ होगा जिसने मेरा नाम लेकर बैंक मैनेजर को फोन किया था? डैडी, चाचा जी के सिवा और कौन हो सकता है? क्या मेरा छोटा भाई जिसे मैंने जायदाद से बेदखल कर दिया था, वो कुत्ता कमीना काला काली चरण? हाँ? मैनेजर, अगर वो आपकी बैंक में आए। बस सेठी बस, अब वो मेरा शिकार है। वो आएगा बैंक में करारे नोट की तरह, लेकिन उसे मैंने अगर चिल्लर बनाकर नहीं भेजा तो मैं भी अपने पड़ोसी की औलाद नहीं। क्या पड़ोसी की औलाद नहीं? नहीं। यस बेटा, मुझे लगता है अब हमें यहां से चलना चाहिए। चल जल्दी चल। पैसे मिल गए। डैडी मर गए। गुड मॉर्निंग सर। शट अप, ये ले मेरी रिक्वेस्ट, जल्दी कर। कैबिन में सर। पागल नमूने हैं। जा, जा, अरे जा। पागल कहीं के? अबे बैंक मैनेजर के बच्चे, मेरे मना करने पर भी तूने मेरे बेटे को पैसे दे दिए। मैं तेरी बैंक बंद करवा दूंगा, तेरे भजिए बिकवा दूंगा। मेरा नाम रंजीत राय है, रंजीत राय, रंजीत राय। आ गया तू कुत्ते कमीने काली चरण।
तो हमेशा हमेशा के लिए इसका अकाउंट बंद। ले जाओ निकाले की जाने। इस काली कुत्ते काली चरण को कुत्ते की मौत मारो। बेकरार है आजा मेरी बुलबुल तेरा इंतजार है हमको तुमसे प्यार है जिया बेकरार है आजा मेरी बुलबुल तेरा इंतजार है बुखार है आजा मेरी लैला तेरा इंतजार है हमको तुमसे प्यार है जिया बेकरार है आजा मेरी बुलबुल तेरा इंतजार है के पार है कोंडा भी तैयार है आजा मेरी सोनी तेरा इंतजार है हमको तुमसे प्यार है हमको तुमसे प्यार है जिया बेकरार है जिया बेकरार है आजा मेरी बुलबुल आजा मेरी बुलबुल तेरा इंतजार है Thank you.
रंजीत रे, इधर आओ, मेरे सामने आओ। अरे पागल जी, बुड्ढा मत करो मैं। अरे बुड्ढा तेरा, तू मेरा हुलिया बना के बैंक में गया और बैंक वालों ने देख मेरा क्या हुलिया। डैडी राजा चल, हरबू पकड़ साले को। छोड़ूंगा नहीं तुझे। पता नहीं कौन था। ओ साला कुत्ता कमीना। हरबू, ए हरबू। अरे हरबू तू ठीक तो है ना। अरे यार खाक ठीक हूँ। तू इस कमबख्त राजा को अपने बेटे से अलग क्यों नहीं कर देता। अरे हजार बार कोशिश कर चुका हूँ और हर बार मुंह की खाया हूँ। लेकिन तू अपने इस बिगड़े नवाब से मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कैसे करवाएगा। अरे मैं भी उसका बाप हूँ बाप। थोड़े दिन रुक जा हरबू, फिर देखना मेरा प्लान। ये पहला पन्ना प्रॉपर्टी का, ये दूसरा पन्ना प्रॉपर्टी का, और अब ये तीसरा पन्ना मैरिज सर्टिफिकेट का। और अब देख मेरा कमाल। अरे ये क्या कर रहा है। अरे डैडी आप तो ऐसे डर गए जैसे आपकी चोरी पकड़ी गई हो। मैं क्यों चोरी करूं। अरे खानदानी रईस हूं मैं, कपड़े झटकूंगा तो लाखों निकल आएंगे। खैर छोड़ इन बातों को, इन पेपर्स पर साइन कर। ये क्या है, ये क्या है। नए प्लॉट्स खरीदे हैं तेरे लिए, साइन कर। वाह डैडी, बाप हो तो आप जैसा। पेन लाओ। ठहरो, ये कहीं साइन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैं इसका बाप हूँ। अरे बाप हो या बाप का बाप, याद है मेरी बहन ने मरते वक्त क्या कहा था। अरे क्या कहा था रे। कोई भी पेपर में बगैर पढ़े साइन नहीं करना बेटे, पढ़। यू आर राइट मामा जी। दूसरा पन्ना पढ़। मिस्टर विजय कुमार, अ फर्म कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ। हाय। अरे हाय वाय छोड़ यार, हम लोग लेट हो रहे हैं, जल्दी चल। हाँ एक मिनट, आया। डैडी साइन बताइए, कहाँ साइन करना है। यहाँ बेटे, पढ़े बिना साइन मत करना। अरे मामा, डैडी ने जो एग्रीमेंट बनाया सही बनाया होगा ना। अरे तू नहीं पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा। अरे मामा बस भी करो, क्या बिना मतलब झगड़ते रहते हो आप लोग। ये लो भाई। आई डोंट लाइक दिस। ओहो, बट आई लाइक दिस। हरबू देख लिया, ले लिए ना मैंने अपने बेटे के दस्तखत। तू क्यों मुंह लटकाए खड़ा है। मैं सोच रहा हूँ रंजीते, क्यों ना मैं भी इन्हीं कागजात पर अपनी बेटी के दस्तखत ले लूं। फिर से कहना। मैंने कहा क्यों ना मैं भी इन्हीं कागजात पर अपनी बेटी के दस्तखत ले लूं। हरबू, ऊपर से तेरी खोपड़ी भले ही बंजर हो, अंदर हरियाली है हरियाली। अरे दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल रहा है। गले लग जा। लेकिन एक बात बता हरबू, तू अपनी बेटी के दस्तखत यहाँ लेगा कैसे। तू मेरी बेटी को नहीं जानता रंजीते, गाय है गाय। आज के तेज रफ्तार जमाने में भी चींटी की चाल चलती है, चींटी की। मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे तेरी जान निकल जाती तो क्या मेरे अंदर जान रह जाती। A very happy birthday to my dear friend. Thank you. काजल, पम पम। Thank you. अब ये बता, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। मैंने सोचा मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ। तू शॉपिंग करेगी या मुझे शॉपिंग करवाएगी। अरे बात तो एक ही है ना यार, चल ना। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे एक शर्ट वापस करनी है। तू यही ठहर, मैं अभी गाड़ी से लेकर आती हूँ। जस्ट अ मिनट। शरीफ लगता है। शरीफ कहाँ से, शक्ल से तो ये लोफर लग रहा है, लोफर। ए फूलन देवी, क्या है, जबान को लगाम दे,
ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। अजय पैसे निकाल। साला ए मुर्गी चोर, तेरे अंडे का कितना हो रहा है? 500, सिर्फ 500। ये ले पकड़। और तेरे अंडे का क्या? अरे तेरे गाड़ी का अंडा, हेडलाइट, हेडलाइट 500। ये ले पकड़ 1000। 1000? ये 500 एक्स्ट्रा किस लिए? अभी बताता हूँ। इसलिए। चला जाए। उड़। एक मिनट। क्या है? ये लो 5000 रुपए। ये किस लिए? अभी बताती हूँ। इसलिए। लेकिन ये तो 4000 का है। हाँ, बाकी 1000 टिप। हा? समझे मेरे लल्लू लाल? हा? चल काजल। अबे तेरी तो। अरे रे 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 रे। छोड़ ना यार, लड़की है। अबे लड़की है तो क्या हुआ? साला एक तो टिप देती है, ऊपर से लल्लू लाल बोलती है। मैं क्या लल्लू दिखता हूँ? अरे तुमको किलो ना खेलने के लिए नहीं दिया है, बेचने के लिए दिया है, समझी? सॉरी सर। क्या कर रहा है तुम? क्या कर रहा है तुम? 5 लाख का मार्बल स्टैचू को सवा पैसे का चिंदी से साफ करता है। तुमको मालूम है आज इसको देखने को कौन आ रहा है? कौन? आगरा के नाड़ी डिंडा डिंडी नवाब साहब चंगेजी, समझे क्या? जा जा। सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, मैं आपको साफ करता हूँ। एक्सक्यूज मी। पुतला बोला? अरे एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ हूँ। ओ पुतली भाई। यस पुतली भाई, आई मीन मैडम। बाबा जी आपके पास से लियो, ये शर्ट डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। व्हाट इम्पॉसिबल? ये देखिए इसमें छेद है, दिखा? नहीं दिखा। नहीं दिखा? नहीं दिखा। अभी दिखाती हूँ। सुलेमान, सुलेमान, मैडम को 5-6 शर्ट दिखाओ, नहीं तो वो मेरी भी पैंट फाड़ देगी। मैडम आप वो काउंटर पे जाओ, वो आपको शर्ट दिखाएगा। हाँ, सोराब, सोराब। चलना यार, अब मुंह ठीक। अच्छा मैं तेरी वजह से चुप हो गया, वरना उस छिपकली को तो मैं कॉकरोच बना के छोड़ता। अच्छा बाबा अब ठीक है यार। मुझे लल्लू बोलती। राजा तू अपने लिए शर्ट खरीद, तब तक मैं अपने लिए लड़की देख कर आता हूँ। अब मेरा मतलब है जूते देख कर आता हूँ यार। अबे पैंट क्या दिखा रहे, शर्ट दिखा यार। दिन चंगेजी आइए, जरा पुतले पे नजर डालिए। हे तू पुतले के सामने पुतला माफी क्या करा? चल भाग इधर से, हट। हाँ। नवाब साहब आपके लिए तराशा हुआ पुतला। जी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है इस फनकार ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? हाँ। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाचे से अपने हाथों से बनाया नवाब साहब। अरे कुर्बान जाऊं। इन हाथों के फारसी तू नहीं जानता तूने क्या बनाया है। अगर आप हुकुम करें तो 1.5 दर्जन और बना दूं। यही तो हम नहीं चाहते। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा ताजमहल दोबारा न बन पाए। तुम भी ऐसा दोबारा न बना सको, इसलिए हम भी तुम्हारे हाथ कटवा देंगे। हाथ कटेंगे? अलादीन हुकुम आलम बना, हम जा रहे हैं, तुम फारसी के दोनों हाथ लेकर आगरे पहुंचो। ना दिल्ली। दरवाजा खोल।
क्या करूं क्या करूं क्या करूं ए खुदाए। अरे मोबाइल कभी यूज करूंगा। चलो नी 100। हेलो खड़ा पासी पुलिस स्टेशन। सुनो एक कोलगेट का फैमिली पैक दे। एक मुझे भी। सॉरी सर स्टॉक में एक ही फैमिली पैक है। मैं लूंगा। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। हाथ मेरा पहले पड़ा था। नजर पहले मेरी पड़ी थी। लेडीज फर्स्ट। बाथरूम की क्यों मैं? देखो तुम पंगा ले रहे हो। बचपन की आदत है। इसे मैं लेकर आऊंगी। ठीक है ले लो। तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह से बदबू आती। What? Yes, your mouth stinks. Yuck. बदबू तुम्हारे मुंह से आती है, तुम्हारे जिस्म से आती है, तुम्हारे कैरेक्टर से आती है। इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ये लो, लो और लो। मैं तुझे मार डालूंगी। देखिए इस चोर की मैं चोटी कर दूंगा। अरे छोड़ दे मुझे। इस लल्लू की तो मैं नाक काट दूंगी। अरे मैं देखता हूँ क्या करेगी। खबरदार पुलिस कोई भी अपनी जगह से हिला तो भून के रख दूंगा। देख राजा अगर मेरे बाप को पता चल गया तो वो हमारी जमानत नहीं देगा। चल 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 भाग। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे कबूतर भागता किधर है? इधर आ। मधु मैं बताती हूँ। रिलैक्स कम ऑन। मुझसे पंगा लेता है हरबू। अरे हम इस गंदगी में आ तो गए हैं लेकिन तुझे पूरा यकीन है कि तेरी बेटी इस मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करेगी? अरे करेगी रंजीते, खुशी से करेगी। ड्राइवर गाड़ी रोको। रंजीते तो रुक मैं भी आता हूँ। हे मिस्टर हरिनिवास कहाँ है? हे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। डैडी आप और यहाँ? What a pleasant surprise! अंकल अंदर आइए। Don't you call me uncle? तुम्हारे लिए मैं सिर्फ सेठ हरबंस लाल हूँ। Do you understand? Daddy, throw! देखा डैडी कौओं को भी आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। बाय द वे डैड आप यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? मुझे इन कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। आज ही अमेरिका भिजवाने हैं। दस्तखत तो मैं कर दूंगी डैड मगर उससे पहले आपको भी कुछ पेपर्स पे साइन करने पड़ेंगे। क्या? दीनू काका। ओ दीनू हाँ, काका कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेकर आना। अमीला बिटिया ये किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है तू? वही जिसमें लिखा है कि आप बस्ती की सारी जमीन यहाँ रहने वालों के नाम कर रहे हैं। व्हाट? हाँ? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू क्या समझती है कि मैं अपनी करोड़ों की जमीन इन भूखे नंगों के नाम कर दूंगा? नो नेवर। तो आप क्या समझते हैं मैं आपके इन सड़े कागजात पर दस्तखत कर दूंगी? नो नेवर। लाओ लाओ कागज कहाँ मैं साइन करता हूँ? यहाँ पर ये लीजिए। हर बार तुम्हारी जिद के सामने मुझे घुटने टेकने पड़ते हैं। फिर भी आप बाज नहीं आते ना। सिग्नेचर प्लीज उधर साइन। डैडी आई लव यू, यू आर वंडरफुल। ये हुई ना बात डैडी, अब बताइए मुझे कहाँ साइन करना है? मैं अपने डेथ वारंट पे भी साइन कर दूँ। यहाँ साइन करना है। पेन लाओ, जल्दी। पेन लाओ। लीजिए। यस। यहाँ। डैडी यू आर सो स्वीट। यस। डैडी यू आर वंडरफुल। डैडी इन द होल।
हम ये खुशखबरी सबको सुनाते हैं। अरे मान गए समधी जी, मान गए। 2 करोड़ की जमीन देकर 100 करोड़ की खुशी हासिल कर ली। अब हमारे बच्चे अपनी मर्जी से शादी करना तो दूर, किसी और के बारे में तसव्वुर भी नहीं करेंगे। तू छुपी है कहां, मैं तड़पता यहां। अबे ओ उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान, ये मेरा घर है, कोई रोमियो की मजार नहीं है तो बैठकर मातम मना रहा है। लौटा लौटा। 3 दिन से इसी पोज में देख रहा हूं तुझे। भूल जा उस लड़की को, वो तेरी जिंदगी में नहीं आने वाली है। नहीं राजा, अब तो इस जिंदगी में वही आएगी या फिर इस आशिक की जान जाएगी। चल अब डायलॉग बाद में मानना, पहले मेरी मदद कर। चल चल। और एक बात और सुन ले मेरे यार, मां कवि पोपटलाल जी कह गए कि लाइफ में 3 चीजों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, बस ट्रेन और छोकरी, एक गई दूसरी आती है, समझा? और दूसरी गई तो तीसरी आती है, तीसरी गई चौथी आती है, चौथी गई पांचवी आती है, छठी। तुम लोग यहां क्यों लाए हो? नो अबे सुन, पाइप काटे बिना आया ना तो साले मैं तेरी टांग काट डालूंगा। नहीं, 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 नहीं। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। अरे बाबू, अबे ओ घन चक्कर की औलाद, ये कहां को तफरी करने जा रही है तू? अबे उल्लू के पट्टे में तेरे से बात कर रहा हूं, सुन नहीं रहा है क्या? क्या है, हट रे। अबे भूतनी के नीचे देख, नीचे। इसकी तो क्या हुआ? राजा, राजा, राजा! अबे तू वहां कैसे पहुंच गया? अरे कोई बचाओ इसको! अबे तेरे को बोल रहा, लाइफ में 3 चीज के पीछे कभी नहीं भागने का, बस ट्रेन और छोकरी। अभी लेटा गया ना बीच में। अबे लेक्चर देना बंद कर और बचाना। हाँ हाँ आता हूँ। साला खुद भी मरेगा, उसको भी मरवाएगा। जल्दी आ। क्या करूं? अरे भगवान मेरी रक्षा करना। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अबे साले मैं सर्कस में काम करता हूँ जो भड़े भड़ चल कर आ जाऊंगा रुक नहीं तू रुक वरना हाथ छोड़ रुकता हूँ तू आ तू आ एक काम करता हूँ आंख बंद कर लेता हूँ जो होगा देखा जाएगा ओ हे राम 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 अरे रे राम 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 अभी तक तू वही है अरे यार अजय प्लीज चुप रहे राम 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 मुझे बचा मैं मर रहा हूँ मुझे बचाने आया या मरवाने आया है ओए अजय मेरे क्या कर रहा है अजय अजय मुझे मत छोड़ना यार अजय मैं मरना नहीं चाहता अजय अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई यार अबे तो मेरी कौन सी हुई है ये दोनों मर जाएंगे या खुदा कोई बचाए इनको अजय अजय तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या मुझे सुनाई नहीं दिखाई भी दे रहा है क्या अबे उल्लू के पट्टे देखते नहीं उल्लू पाइप पे लटके हुए हैं अबे इडियट सुनाई नहीं दे रहा दिखाई तो दे रहा है बचा नीचे का पाइप काटने के लिए कहा था साले साले ऊपर का पाइप क्यों काट रहा है ये दोनों मर जाएंगे साले अबे रुक जा यार गुड मॉर्निंग आंटी अरे शिरीन शुजू अरे आंटी हम आपका रेप नहीं करते अरे आंटी सुनो तो सही हम लोग आपका रेप नहीं कर रहे यार अजय इस मोटी का मुंह तो बंद कर वरना हम लोग रेप के केस में अंदर हो जाएंगे अबे मोटी मुंह बंद कर नहीं आंटी नहीं नहीं अब तेरी बारी है देखो आंटी हाथ लगाना देखो आंटी बोल रहा हूं मैं नहीं तेरे को छोड़ने वाली नहीं हूं नहीं 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 दरवाजा ऐसा नहीं खुलेगा इसको तोड़ना पड़ेगा बचाओ आंटी नहीं हाथ लगाना आंटी ए परवाहदिगार मेरे को ताकत दे अरे बचाओ मैं आया शिरीन अभी देख क्या रहा भाग जा अरे भाग रे भाग कहीं जो
चोट तो नहीं लगी? अरे बहुत गहरी चोट लगी है मेम साहब, सर से पांव तक तो घायल हो चुका है, आपकी मोहब्बत का घायल हो चुका है। जब भी आपको देखता है इसकी हार्ट बीट ऊपर चले जाती है, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है, बावला हो जाता है ये बावला। कभी गाड़ी ठोक देता है, कभी पुतला तोड़ देता है, कभी पाइप में चलने लगता है। साला खुद तो मरेगा, मुझको भी मरवाएगा। वैसे कल शाम को आप क्या कर रही है? 5 बजे मिल सकते हैं इसको हैंगिंग गार्डन में? अब ये अपनी मोहब्बत का इजहार मुझे करने देगा या खुद ही सब करते जाएगा? यार तेरी फील्डिंग तो करो। मैं चाहिए तेरी फील्डिंग। जा ठीक है दोस्त, लड़की मिल गई, दोस्त को भूल गया? अरे जा जा। लेकिन याद रखना लड़की बस और ट्रेन। वो सॉरी, पता नहीं मेरा दोस्त क्या अनाप शनाप बक गया। सच दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। हे देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए। सच सच दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। अब तू हमें चाहे, अब तू हमें भूले, हम तो बने रहेंगे तेरे साए। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए। सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। अब तू हमें चाहे, अब तू हमें भूले, हम तो बने रहेंगे तेरे साए। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए। सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। सांसों के दरिया में कुलमुल सी होने लगी। नहीं है ये सजा, सजा में है मजा, चाहत को चाहत की शबनम भिगोने लगी। अब और क्या चाहे, अब और क्या देखे, देखा तुम्हें तो दिल से निकली हाय। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए। सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। Thank you.
सुना चुना तुम्हें चुना, शीशे में शीशे से टकरा के कुछ कह दिया। है पल मुरादों के, ये पल है यादों के, अब मेरी जा रहे या चली जाए। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए लाए, सच सच दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए आए। अब तू हमें चाहे अब तू हमें भूले, हम तो बने रहेंगे तेरे साए। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए लाए, सच सच दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तू काजल बिटिया को लेकर जा कहाँ रही है। मैं आपकी नन्ही मुन्नी काजल बिटिया को ऊटी लेकर जा रही हूँ। ऊटी? ये ऊटी जाने का प्रोग्राम अचानक कैसे बन गया? वो इसलिए कि मेरे डैडी मेरी शादी करना चाह रहे हैं और इस वक्त मैं शादी के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। और चाचा जी आपकी इन बातों में हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। काजल तू क्या करिए यार, जल्दी कर, डांस कर रही है, पैकिंग करती जा रही है तू, जल्दी कर यार फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बाय चाचा जी, चाचा जी सी यू बाय। अरे संभल के जाना काजल बेटी, अपना ख्याल रखना। उठी गई है ना होनोलुलु तो नहीं? तू फिकर मत कर, मैं अजय को फौरन ऊटी भेज देता हूँ। एक मिनट, एक तो आपने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय कर दी, उसके ऊपर आप कहते हैं कि मैं ऊटी जाऊं लड़की देखने। इम्पॉसिबल, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। मैं ये शादी करवा के रहूंगा। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। अपने बाप की नाफरमानी करता है वो भी उस बाप के साथ जिसने अपने हाथों से तेरी गंदी चड्डियां धोई हैं, जिसने खुद गधा बनकर है, मेरा मतलब है घोड़ा बनकर अपनी पीठ पर तुझे खिलाया है। अरे ऐसे बाप की तो पूजा करनी चाहिए, पूजा। अबे तू नहीं जानता मेरे बाप को। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे बाप को। हाँ। तेरा बाप जलील हो सकता है, कमीना हो सकता है, लेकिन खुदगर्ज नहीं हो सकता। हाँ, करेक्ट। अजय तू चुपचाप अपने बाप की बात मान। हाँ। और जाने की तैयारी कर। चलो यार तू बात समझ। अंकल आप बूटी का एक और टिकट बुक कराइए। क्यों? क्योंकि मैं साथ जाऊंगा। किस लिए? अरे अगर एयरपोर्ट से भाग गया तो कोई होना चाहिए पकड़ने के लिए। करेक्ट, मैं अभी ट्रैवल एजेंट को फोन करता हूँ। डैडी मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। अबे साले तू जानता है मैं काजल से प्यार करता हूँ और तू। अबे रुक यार, मैं तुझे बचाने आया हूँ साला, तू मेरे को ही मार रहा है। ये बचाने आया? अरे मेरी बात तो सुन, जिस लड़की के साथ तेरे बाप ने तेरी शादी तय की है वो वही फूलन देवी है, शॉपिंग मार्केट वाली। तो उससे मिलने मैं वहाँ क्यों जाऊँ? अरे तेरी काजल भी उसी के साथ उठी गई है। अच्छा? हाँ, तू काजल के साथ इश्क लड़ाना और मैं उस छिपकली की दुम खींचूंगा। Fed up with my dad. मेरे हजार मना करने पर भी वो किसी लड़के को भेज रहे मुझे देखने के लिए। अब ठीक है ना मधु, वो आ रहे तो उसे देख ही ले। लेकिन तू उसे पहचानेगी कैसे? डैडी ने कहा है उसके हाथ में एक लाल गुलाब होगा। क्या डैडी ने इस लंगूर को पसंद किया मेरे लिए? अरे जल्दी चला जाए, उस गंजे की बेटी हमारे इंतजार में सूख रही होगी। और उसका लफंटर दोस्त भी आया साथ में। यार हद हो गई शराफत की, उस अनारकली का तो कोई पता ही नहीं जो हमें लेने आने वाली थी। लेकिन उस टकलू ने तो कहा था कि हाथ में गुलाब देखते ही दौड़ी चली आएगी। एक्सक्यूज मी। यस। मैं ही वो मधु हूँ जिसे देखने आप ऊटी आए हैं। ओहो तो आप हैं गुले गुलजार, मौसम है बहार, चेहरे पर है गुस्सा, दिल में है प्यार, आ गले लग जा मेरे यार। अजय क्या नाटक है ये सब? अभी चुप रहो, सब बाद में बताता हूँ। छोड़ दो मुझे। अरे हम अपनी होने वाली बीवी के गले लग रहे हैं, किसी के बाप का क्या जाता है? गले लग जा मैनू कुड़िये। अरे ठंड पै गई कलेजे में, तेरू जप्पी पाके यार। लाइफ सेट भी। क्या हुआ, क्या हुआ? लगता कोई खटमल घुस गया मेरे पैंट में। अच्छा, घर चल के देख लेना। चले चले चलो। अरे चलिए राजा। वेलकम शाह, वेलकम वेलकम। बहादुर साहब लोगों को ऊपर पहुंचा दो। नहीं मेरा मतलब है ऊपर पहाड़ वाले घर पे पहुंचा दो। आप लोग चलिए, हम लोग दूसरी गाड़ी में फॉलो करेंगे। आइए साहब, आइए।
मैं भी उनके साथ जाऊं? चुप कर, तू मेरे साथ चलेगी। बहादुर जी साहब, हमको ऊटी पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा? वो साहब 3-4 घंटे तो लग ही जाएगा साहब। बंदर है? साला, ये तो जेम्स बॉन्ड की औलाद लगता है। जी साहब, वो मेरा जोरू का मुंह बोला भाई है। मैं कोई भी लफड़ाबाजी नहीं करे ना, इसीलिए साहब 24 घंटा मेरे पे नजर रखता है। चल आगे जाके बैठ। सारा पीछे बैठा, बैठे साहब, बैठे साहब। चल जा बच्चू, ये तेरी जिंदगी का आखिरी सफर है। ड्राइवर साहब, आगे किसी फूल की दुकान पर गाड़ी रोक देना, मुझे अपनी महबूबा के लिए फूल खरीदने हैं। गाड़ी तो नहीं रुक सकती साहब। क्यों, गाड़ी क्यों नहीं रुक सकती? गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है। अच्छा, ब्रेक नहीं है। क्या ब्रेक नहीं है? तो हम उतरेंगे कैसे? हम बता दें साहब। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? रुकिए, वापस आइए। टाटा साहब। अरे तू बंदर नहीं, भगवान है भगवान। अरे ओए कहाँ जा रहा है पर गाड़ी कैसे चलाई? आगे देख, अजय! अरे बैरी, आ इंजन मिसफायर क्या कर रही है? मिसफायर नहीं, कोई ठोकता है, तका तक ठोकता है। अरे तू देखना देखना कौन है पीछे? अरे गाड़ी बंद। अरे बैरी, बैरी नियर, ये तो हुआ वही लड़का है जो बाथरूम में मेरी को इज्जत लूटने को आया था। अरे अरे तू डर मत शिरीन, वो तेरा रेप होने से पहले उसको मेरा रेप करना पड़ेगा। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बहादुर, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? मेम साहब, वो तो सो रहा है ना मेम साहब, वो लोग एक्सीडेंट होकर मर गए मेम साहब। क्या? मर गया? ठीक है, तुम अपने कॉटेज में जाके सो जाओ। नहीं नहीं, मैं उधर नहीं जाएगा मेम साहब, मैं इधर ही सोएगा। क्यों? क्या है मेम साहब, जो लोग पहाड़ से गिर के मरता है ना मेम साहब, वो लोग भूत बन जाता है। उसका आत्मा जो है ना मेम साहब, इधर उधर भटकता रहता है। हमको मुझसे बहुत डर लगता है मेम साहब, बहुत डर लगता है। हमको इधर ही सोना था मेम साहब, प्लीज मेम साहब। ठीक है, तुम यहीं पर सो जाओ। थैंक यू मेम साहब, थैंक यू। हे भगवान। बहादुर,
सुला दिया है, अब तेरी बारी है। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मधु, 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 समझती क्या हो तुम अपने आप को? सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया, तुमने देखा नहीं? उसने मेरे साथ क्या किया? उसने जो किया सो किया, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, बिना ब्रेक की गाड़ी में इन्हें बिठा दिया। वो अपाहिज हो सकते थे, मर सकते थे अगर वो वक्त पे गाड़ी से कूद न जाते। अगर तुम में मजाक सहने की हिम्मत नहीं है तो मजाक किया भी मत करो। हाँ, अजय मुझे रोकने की कोशिश मत कर, प्लीज मुझे जाने दे। लेकिन तू इस तरह नाराज होके जा रहा है, राजा बात तो सुन। अजय प्लीज मुझे जाने दे, मत रोक मुझे। सॉरी। सुना नहीं तुमने मैंने सॉरी कहा? मेरा बैग छोड़ो। जब तक माफ नहीं करोगे मैं बैग नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा मेरा बैग छोड़ो। अरे बड़े खुश नसीब है भैया, जब बीबी तुमसे माफी मांगती है। हमारी शादी को 40 साल हो गए, जब बीबी से झगड़ा होता है उल्टा हमको ही माफी मांगनी पड़ती है। क्या बोला बढ़ाओ? मैंने कहा मेरा बैग छोड़ो। तुम बैग छोड़ती हो या नहीं? नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ो। देखा माफी नहीं देने का अंजाम। You?
ये कौन सा था जाम जो तूने पिला दिया, इस सिर फिरे का सारा सिस्टम हिला दिया। अरे बाबा शुक्रिया शुक्रिया। ए मजो कह दो ना क्या कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है। मुझे शर्म आती है। देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी। आई लव यू। अच्छा हुआ जैसे हुआ, इश्क हुआ कैसे हुआ। अच्छा हुआ जैसे हुआ। जागे जागे अरमा है, सोया सोया ये जहां है, चोरी चोरी आके मुझे मिले। सन 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 सरा गुन 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 गाती है हवा। सन 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 सरा गुन 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 गाती है। क्या है डर जोशीली बातें यूं ना कर। प्यार है तो जोश भी है। होना है क्या होश भी है। ना मैं जानूं ना तू जाने क्यों हो गए हम दीवाने। Thank you.
चेयरमैन। ओ अरे क्या है? पेपर पढ़ रहे हैं आप? इसमें जो कुछ छपा है वो टीवी में दिखाया जाता है। खावा का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। अरे तूने मुझे मारा? एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है साला, एक मच्छर मच्छर था मगर एक फैक्स आपको दीवाना बना देगा जीजा जी। कल अजय आ रहा है। अरे उसकी तैयारियां कौन करेगा? अरे इसकी फिक्र तुम मत करो जीजा जी, उसका मामा है। देखो इंतजाम कैसे करता हूँ। देखा जीजा जी अपने साले का इंतजाम। ये उस वक्त तक बैंड बजाते रहेंगे जब तक आपका बैंड ना बज जाए। चलिए चलिए आगे चलिए आगे चलिए। और ये कन्याएं यहाँ पर इतने फूल बरसाएंगी, इतने फूल बरसाएंगी कि आप बड़े फूल हो जाएंगे। ओ अजय आ गया, अजय आ गया। लड़कियां खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ फूल बरसाओ। कम ऑन डार्लिंग। अरे वो ये लड़की कौन है? थैंक यू। रंजीते ये तो मेरी बेटी की सहेली है। हा? ये फटीचर झोपड़पट्टी में रहती है। क्या जीजा जी, क्या सड़े हुए बैगन की तरह मुंह लटका खड़े हो? कुलकर्णी यहाँ आओ। यस सर। इन्हें ले जाओ और फोटो खींचो। प्लीज सर, प्लीज सर। ये क्या कर रहे हैं? क्या दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं? थैंक्स फॉर द वेलकम डैड। अरे वेलकम तो मैं तेरा खर्चा के करूंगा हराम। इधर देखिए स्माइल प्लीज। स्माइल डैड। हाय डैड, सी यू। देख देख रंजीते, इसने तेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। पीछे देखिए जनाब, आपके अरमानों की अर्थी आ रही है। हाय डैड। हाय डैड। व्हाट? ओह थैंक यू। अब अड़ियल सांड की तरह फू फू क्या कर रहा है? अरे जा अपनी बेटी और दामाद के साथ फोटो खिंचवा। कुलकर्णी इधर आओ। तू चुप हो जा, नहीं तो गंजे। देखो यार बेकार की बातें कर रहा है। ओ डैड, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप हमारा स्वागत इस तरह करेंगे। यस यस। तेरा स्वागत तो मैं घर चलकर करूंगा। और कमीने तू, तेरे को हम लोगों ने ऊटी भेजा था मधु और अजय को नजदीक लाने के लिए, और तू अपना चक्कर चला कर आ गया। ससुर जी, बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए भेजोगे तो वो तो पतीला चाट ही जाएगी ना। आराम साधे, मैं तेरे को डैडी डैडी डैडी, ये सब प्यार मोहब्बत की बातें घर चल के, वरना ससुर और दामाद के हाथापाई की तस्वीरें कल के अखबार में छप जाएंगी, है ना? स्माइल स्माइल। हे लेट्स गो डार्लिंग। टाटा। देख रंजीते, देख कैसा थप्पड़ मारा है दोनों बच्चों ने हमारे मुंह पर। निकाल निकाल वो मैरिज सर्टिफिकेट, अब भी जाकर इन्हें दिखाते हैं कि हम भी इनके बाप हैं। शांत हो जा हरबू, शांत हो जा। अरे जब बाजी दुक्की और टिक्की से जीती जा सकती है तो उसके लिए इक्का निकालने की क्या जरूरत है? तू देख अब मैं इनसे कैसे खेलता हूँ। पाए लागू ससुर जी। बास्टर्ड। हाँ हाँ सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। जी राजा, अब इस गिराज को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम केविन में आकर अपना हिसाब कर लो। क्यों? क्योंकि इन्होंने दुगनी कीमत देकर यह गिराज खरीद लिया है। नौकरी से तो निकाल दिया सेठ जी, बेटी के दिल से कैसे निकालोगे? छोटा आदमी,
अबे बेवकूफ, हमने तुझे नौकरी से इसलिए निकाला है ताकि तुझे इस जगह का मालिक बना सके। देख देख ये कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट पर तेरा एक दस्तखत और तू इस 2.5 करोड़ के गैरेज का मालिक होगा। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे ये दस्तखत इस बात की जमानत होगी कि आज के बाद तू मधु की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ले साइन कर, कर कर कर। ये तुम क्या कर रहे हो राजा, इधर आओ। अरे इसी दौलत को हासिल करने के लिए तो हमने उन दो अमीरों से प्यार का नाटक किया था, और जब ये दौलत सामने है तो तुम उसे ठुकरा रहे हो। मैं कहती हूँ साइन करो। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो साइन करता हूँ। कहाँ पेन का है? सीजी पेन। पेन। ओके सीजी। यस यस। ए लड़की, अब बता मेरे बेटे को आजाद करने की क्या कीमत लेगी तू? एक कप चाय। एक कप चाय? जी हाँ, आपको मेरे हाथ की एक कप चाय पीनी पड़ेगी। अरे हम गरीब के हाथ का पानी तक नहीं पीते, चाय तो बहुत दूर की बात है। गरीब किसको बोल रहे हो सेठ जी, करोड़पति हैं हम, 2.5 करोड़ के गैराज के मालिक, कम से कम चाय तो हमारे हाथ की पी सकते हैं आप। बात पते की है। ला लो पीते पीते लाओ। चल काजल, इनके लिए चाय बनाते हैं। जी चाय पीजिए। क्या कर रहे हैं सेठ जी, ये 2.5 करोड़ की चाय है, जरा मैं भी तो चक्कर देखूं कि 2.5 करोड़ की चाय होती कैसी। अरे काजल, ये तो बिल्कुल आम चाय की तरह है। सेठ जी, 2.5 करोड़ जब एक कप चाय का जायका नहीं बदल सका तो हम प्यार करने वालों का इरादा क्या बदलेगा। बड़े बेगैरत हो सेठ जी, इतना सुनने के बाद भी यहाँ खड़े हो। कोई और होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। अरे मरोगे तो तुम दोनों, और वो भी कुत्ते की मौत। ए बाला बशीरा भैरव, हड्डियां तोड़ दो इन कमीनों की। काजल, ये फूल नहीं मेरे दिल का लहू है, और डैडी ये दुश्मन नहीं तुम्हारी होने वाली बहू है। ये मेरी बहू 7 जन्म में नहीं हो सकती। 7 जन्म? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल हम कोर्ट में शादी करें। ये पेपर देख रहे हो, ये प्रॉपर्टी के मामूली पेपर नहीं, तुम्हारी मौत का फरमान है। ये कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट है जिस पर तेरे और मधु के दस्तखत लिए हैं हमने। देख अपनी आंखों से देख। और इन दस्तखत के मुताबिक तुम और मधु कानूनी तौर पर पति पत्नी हो, और अब तुम्हारी शादी किसी कोर्ट, मंदिर और चर्च में तो क्या, सारे ब्रह्मांड में नहीं हो सकती। और ये कागज नहीं, तुम्हारे प्यार की चिता है, चिता, और इस चिता में तुम्हारा इश्क और तुम्हारे अरमान जलकर राख बन जाएंगे, राख। प्यार की
चिता तो जल गई डैडी, अब अपने अरमानों की अस्थियां गंगा में बहाइए या जमुना में। अरे गंगा जमुना तो बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, तुमने समुंदर को ललकारा है। अब ऐसा तूफान आएगा, ऐसा सैलाब उठेगा कि तुम्हारा इश्क जिस पर तुम्हें बहुत नाज है तिनके की तरह बह जाएगा, तबाह हो जाएगा, फना हो जाएगा। तूफान में बहा है ना ये शोलों में जला है, घायल हुआ तीरों से ना खंजर से कटा है। कहते हैं जिसे इश्क कयामत है बला है, टकराया जो भी इससे वो दुनिया से मिटा है। अरे गाय तोड़े साहब, आप और वो भी इस दारू के अड्डे पर, क्या इतना बुरा टाइम आ गया कि मौसम्बी पी रहे हो? अरे आज तो ये मौसम्बी पी रहा हूँ, कल मैं ठर्रे के लायक भी नहीं रहूंगा। मेरी ये हालत करने वाले वो दो कमीने हैं, मुझे बैंक से निकलवा दिया। बस दोस्त, अब तो जिंदगी में एक ही तमन्ना है, उन दोनों को खत्म करके मैं फांसी में चढ़ जाऊं। और ऐसा करने में क्यों ना मेरी आखिरी कौड़ी तक दांव पे लग जाए। दारू का बिल चुकाने के वास्ते तो है कि नहीं पैसे? हजार रुपये है मेरे पास। हजार के 2000 करने के हैं। हजार के 2000? बोलो कैसे? सिंपल सी बात है, मैं साबित कर सकता हूँ कि आपके हाथ में 11 उंगलियां हैं। 11? क्या गलत बात नहीं? अरे मेरा हाथ है, मेरे को मालूम है मेरे हाथ में सिर्फ 10 उंगलियां हैं। 11 उंगलियां हैं। शर्त लगी? शर्त लगी। लगाओ 1000 रुपए की। 1000 रुपए? ओके गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोबारा गिनेंगे ऐसा थोड़ी, एक मिनट। 10, 9, 8, 7, 6। भाइयों 6 और 5 कितने हुए? 11। 13 बज गए, 12। मेरे हाथों में 11 उंगली थी और मुझे मालूम नहीं कैसे हो सकता है यार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बेवकूफ बना गया वो मुझे। अबे भाग कर कहाँ जाएगा? बेवकूफ बना गया मुझे। अबे कुत्ते कमीने, मेरे 1000 रुपए लेकर भी भाग गया। अबे अगर हाथ में आ गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। 25। अरे यार 25 नहीं, पूरे 1000 लेकर भागा। 25। अरे 25 नहीं भैया, 1000 लेकर। 25। अबे यार 25 के आगे 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है। 25। अरे यार छेद में देकर 25 क्या कर रहा है तू? 25। मैं भी तो देखूं अंदर क्या है। कौन है? ए, ए, कौन है बे? छब्बीस। मधु कहाँ है? साहब मधु मेम साहब सुबह बैग लेकर चली गई। क्या चली गई? अरबू कल से मेरा बेटा घर पे नहीं आया, आज तेरी बेटी घर छोड़कर चली गई, ये दोनों गए कहाँ? मैं बताता हूँ, आपकी बेटी आपके मुंह पर कालिक पोंछ कर चली गई, भाग गई वो अपने आशिक के साथ। और इतना ही नहीं, कल कोर्ट में जाकर वो चारों शादी करने वाले हैं। इसी खुशी में आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ भाई साहब, वो मीठा कीजिए ना वो मीठा। अरे कीजिए ना। विशेष चिल्लाइए मत। जिस बाप की बेटी भाग जाती है ना, उसे ऊंची आवाज में बोलने का हक नहीं होता ना? और याद है तुमने उस दिन क्या कहा था कि अगर मेरी बेटी ऐसी हरकत करती तो तुम उसे गोली मार देते। तो लो ये बंदूक। अरे लो, अब मारो गोली। अरे सोच क्या रहे हो, मार दो गोली उसे। आप गोली नहीं चला सकते, अरे कोई बाप गोली नहीं चला सकता, कुछ नहीं कर सकते हैं आप, बस एक नपुंसक की तरह खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं आप, एक नपुंसक की तरह। कुछ नहीं कर सकते, हट। सोच क्या रहा है हरबंस, ये वक्त सोचने का नहीं कुछ करने का है। गोलियां चलेगी, लाशें भी गिरेंगी,
लेकिन उन हरामजादों की जिन्होंने हमें ललकारा है। इन हरामजादों ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। अरे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, यहाँ तक कि हमारे औलाद को भी हमारा दुश्मन बना दिया है। ऐसी मौत मारो इनको, किश करने वालों की रूह तक कांप जाए। सनम तूने ओ चैन चुराया मेरा, किसने ओ सनम तूने ओ दिल में मेरे रहने वाली कौन है, तू है सनम तूने हाँ चैन चुराया मेरा, किसने ओ सनम तूने तूने ओ। पैरों के नीचे है ओ, दिल का भरोसा क्या है, दिल तो काफिर है। जान मेरी ले, जान भी मेरी हाजिर है। तूने तूने
तुम दोनों की वजह से मैं बर्बाद हो गया। तुम दोनों ने मुझे बर्बाद किया है। नहीं छोड़ूंगा लेडीज नॉट अलाउड। मर्दों की बात है, लेडीज नॉट अलाउड। अबे चीड़ी के गुलाम, हमको मारने के लिए ये 25-25 रुपए के भांड लेकर आया है। भाई पतित रुपया नहीं, पतित लाख रुपया लेता हूँ मैं। अच्छा पतित रुपया नहीं, पतित लाख लेता है ये। मेरी नक्कल उतालता है। एक बात कान खोल कर चुन ले, मैंने तेरे दोस्त और तेरी महबूबा को मारने के लिए 25 लाख रुपए की छुपा ली है। वो भी तेरे बाप चे। हल्ला नहीं। अरे कले कले मुंह क्या देख रहे हो? ये तोता महीने की जोली को अलग करो। पहले बाली तेली है, मरने से पहले अपने पैदा करने वाले को याद कर ले। नहीं, तुम इसे नहीं मारोगे, ये मेरा शिकार है। अगर तुमने इसे मारने के लिए सुपारी ली है तो मैंने इसे मारने के लिए पूरा पान खाया है। लाओ बोबड़े भैया, ये बंदूक मुझे दे दो। लाओ या ये बंदूक मेरे को दे। नहीं चुप, नहीं चुप। ये आटे की गोनी को बाल फेंको। अबे आटे की गोनी किसको बोलता है? आजा बाल फेंको। छोड़ दे, अरे मेरे साथ नाइंसाफी मत करो बोबड़े भैया, ये मेरा शिकार है। अबे बोबड़े, दाम लिया नाम है मेला, दाम लिया। जोगेश वाली से लेकर जेजे हॉस्पिटल तक हर एक कुत्ता जानता है मेरे को। हाँ, तो जैसे कुत्ते का तो कुत्ते ही जानते होंगे। मेले को कुत्ता बोलती है? मेले को अलार्म खोल। अलार्म साजे मार राजा। मेरे पे हाथ उठाता है, मेरे को मारता है। तू जानता ना मैं कौन हूँ? बहुत गर्मी है ना तेरे कुल में, बहुत गर्मी है ना। बोल बोल। अब मैं तेरे को इच्छा नहीं लुटकाऊंगा। इस बंदूक की गोली से तेरे बदन को जलने जलने कर दूंगा। तब खून के साथ तेरे अंदर की गल में भी बाल निकल आएगी। ऐसे तलपेगा तू, ऐसे तलपेगा जैसे पानी के बिना मछली तलपती है। पानी के बिना मछली। और जब थोड़ी सी जान रह जाएगी ना, तो मैं तुझे जिंदा चिता पर लिटा दूंगा। फिर उस चिता को आग लगाऊंगा। पहले तेला कपन जलेगा, बाद में तेली चमली जलेगी, बाद में तेला मां जलना शुरू होगा। आग की जलन कैसी होती है मालूम है ना तेले को? मालूम है ना? लेकिन ये जलन मेरे को क्या हो रही है? क्या हो रही है? अले तोतले, नीते देख नीते। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, हम बताते हैं कि आग कैसे बुझाते हैं। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आओ लात मारो, आग बुझाओ। चलो मारो। हाँ मारो 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 मारो। कम ऑन फास्ट, लेट्स गो, जल्दी चलो। अरे चलो। अरे बचा ले हो या मार ले हो? कहाँ गए वो लोग? वो लोग तो भाग गए। अले पकलो हलम खोलो को पकलो। तुम लोगों ने उन लोगों को जाते हुए देखा? नहीं, इधर तो कोई भी नहीं आया।
चलो ले लोग यही कहीं छुपे होगे, हम लोग यही इनका इंतजार करते। Much better than I expected. Yeah, it's an amazing place. The people are fantastic. I know. I think the gateway. Oh, yeah, the water's lovely. Yeah. Hey, how are you today? I'd just like to confirm our ticket. Hey, to who the hell are you, man? Hey, whoa! What's your problem? कैसा है वो? घबराने की कोई बात नहीं, he's out of danger. थोड़ी देर में हम उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप उसे मिल सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू. अजय, जीना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोगों के प्यार ने मुझे मरने नहीं दिया. अच्छा बातें बंद कर, तुझे आराम की जरूरत है. अजय, अजय, राजा, इनसे कहो यहां से चले जाए. बेटा मैं, कोई बेटा नहीं है यहां आपका, कोई रिश्ता नहीं हम दोनों के बीच. बेटे, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है. मैं तुम सबसे माफी मांगने आया हूं. माफी मांगने का हक भी आप खो चुके हैं. इतनी बड़ी सजा दे रहा है मुझे. एक बाप को अपने बेटे से माफी नहीं मिलेगी. मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी जो तुम सबका गुनहगार है. जरूर मिलेगी उसे सजा, जरूर मिलेगी, जरूर सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी. मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए. ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? छोड़ दे अंकल, मुझे छोड़ दे, बस
अरे मैं वही कमीना हूँ जिसने तुझे मरवाने के लिए कुंडे भेजे थे, मैं वही कमीना हूँ। अजय, प्रायश्चित से बड़ी कोई सजा नहीं होती। आज इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफ कर देना तुझे मेरी दोस्ती की कसम। मैं तुम्हारे प्यार के खिलाफ था, लेकिन आज मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे प्यार को उसकी मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा, वादा करता हूं। और वो पागल हो गया। रंजीते, रंजीते बाहर आ, मैं कहता हूं रंजीते तू बाहर आ। बोल अरे। अरे अब बोलने को रह क्या गया है? बहुत अच्छी दोस्ती निभाई तूने रंजीते, बहुत अच्छी। मेरे दुश्मन को अपने घर में पना दी, और ये एंगेजमेंट के कार्ड छपा के सारे शहर में बांट दिए तूने। बहुत अच्छा किया रंजीते, बहुत अच्छा किया। अरे वो मैंने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है। अरे बेटे का खून देख कर तेरा दिल पसीज गया होगा। तुझे सड़क की धूल माथे पर सजाने का शौक है ना, तो बेशक इस भिखारन को बना अपने घर की बहू, लेकिन मैं इस भिख मंगे को अपना दामाद हरगिज कबूल नहीं करूंगा। डैडी आप समझने की कोशिश। और एक बात कान खोल कर सुन ले, जिस तरह तूने एक रास्ता चलते को अपना पति चुना है ना, उसी तरह एक सड़क छाप को अपना बाप बनाकर अपना कन्यादान भी करवा लेना, क्योंकि आज के बाद तेरा बाप तेरे लिए मर चुका है। हाँ? अबे जाता है तो जा, लेकिन एक बात सुन के जा। रुक, सर पर बाल नहीं, दिल में जज्बात नहीं, तू क्या करेगा कन्यादान, ये तेरी औकात नहीं। फुट, अबे फुट, चल, चल। तू फिकर मत कर बेटी, मैं हूं ना, मैं करूंगा तेरा कन्यादान। वाह वाह, ऊपर वाले तेरी लीला न्यारी, आज इस सांप ने केंचली उतारी। हे ओ, हे ओ, हे ओ, तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लवा लवा, तेरी बातों का जादू। तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा, तेरी बातों का जादू। मिस्टर लोवा लोवा, मेरा दिल धड़काए, मिस्टर लोवा लोवा, मेरी जान ये जाए।
मेरा जीने का एक बहाना है। जब तक जीना है ये प्यार निभाना है। अरे सोच ले फिर जल्दी है क्या, सोच लिया जी सोच लिया, क्या बोले तुम फिर से बोलना। अखियाँ तू मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार के। अखियाँ तू चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के। नींदे उड़ती है उड़ने की दे, चैन खोता है खोने भी दे, जान जाती है जाने भी दे, इश्क होता है होने भी दे। अखियाँ तू मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार के। अखियाँ तू चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के। मिस्टर लवर लवर तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लवर लवर तेरी बातों का जादू, मिस्टर लवर लवर मेरा दिल धड़काए, मिस्टर लवर लवर मेरी जान ये जाए। अखियाँ तू आए हैं दिन, अखियाँ तू जाए न दिन ये प्यार के। मिस्टर लवर लवर तेरी आंखों का जादू, अखियाँ तू साहब बहुत खुशी हुई बहुत। अरे रंजीत साहब, आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? एक बात बताइए रंजीत साहब। पूछिए पूछिए। आप अपने बेटे का रिश्ता तो किसी करोड़पति घराने में करने वाले थे, लेकिन अब सुना है किसी क्लर्क की बेटी को अपनी बहू बनाने जा रहे हैं। यानी जाना था जापान और पहुँच के चीन। मल्होत्रा साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, बुरा मानने की क्या बात। आपकी बेटी का क्या हुआ? क्यों, सुना है वो किसी पाव वाले के साथ भाग गई? खैर घबराने की बात नहीं, आज पार्टी में जो पाव आए हैं ना, ये आपके दामाद की बेकरी से आए हैं। चलो मुंह खोलो, मुंह खोल बड़ो, सबको बता दूंगा, खोल मुंह। पानी पानी पानी। अरे हरबू, यहाँ तक आ गए हो, अब दो कदम के लिए क्यों हिचकिचा रहे हो? आगे बढ़ो, आशीर्वाद दो अपनी बेटी को, आओ। डैडी, मेरा दिल कहता था आप जरूर आएंगे। जीते जी बेटी, ये तो नामुमकिन था कि तुम्हारी सगाई हो और मैं ना आऊं। राजा कहाँ है? बस वो आ ही रहे होंगे। ये देखिए साहब, अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद, आज न दिवाली है न दशहरा, फिर भी पटाखे चला रहे हैं, वो भी बीच सड़क पर। मुझे तो लगता है ये इनके रात भर का प्रोग्राम है। चलिए सर, इनको जाके समझाते हैं। चलिए। देखिए भाई साहब, हम पे, अरे भाई साहब, हम पटाखे चला रहे हैं। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, आप तो दो मिनट ये बंद करिए, हमको जाना है यहाँ से। अरे भाई जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे हमारी टैक्सी को यहाँ से जाना है, जरा रास्ता दीजिए। अरे शाम जरा दो मिनट के लिए रोक दे, उनकी टैक्सी निकल जाने दे। ठीक है, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए चलिए साहब। काजल, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, काजल! 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 काजल!
तक लक्ष्मण जिंदा है, सीता की इज्जत पे ना कोई रावण हाथ डाल सका है ना डाल सकेगा। देर हो चुकी है, ये लोग आए नहीं अभी तक। मुझे भी इसी बात की फिक्र हो रही है। आप लोग खाम खा फिक्र कर रहे हैं, वो लोग आते ही होंगे। हाँ, आते ही होंगे। अरे ये लोग आ गए। इतनी देर कहाँ लगा दी तुम दोनों ने? यार अजय, तू जानते नहीं वो। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी देर हो जाती है। क्या? देर काफी हो चुकी है, अब जल्दी से सगाई की रस्म शुरू करवाइए। इतनी भी क्या जल्दी है मल्होत्रा साहब? दोस्तों, कुछ देर पहले मल्होत्रा साहब ने पूछा कि आपने अपना फैसला क्यों बदला, अपने बेटे की शादी अपने दोस्त की बेटी से क्यों नहीं की। तो मैं आप सब लोगों को बतलाना चाहता हूं कि इस बदलते फैसले का सेहरा मेरे बेटे अजय और उसके दोस्त राजा के सर है। इन्हीं की दोस्ती और प्यार ने मेरे विचार बदल दिए, और इन्हीं की दोस्ती के कुछ लम्हे जो आज मेरे पास तस्वीरों के रूप में है, मैं आप सबको दिखलाना चाहता हूं। डैडी ये सब आप क्यों? एक बाप को अपनी दिल की आरजू पूरी करने दे। लाइट्स ऑफ। क्या तमाशा है? अभी भी तुझे बतलाना पड़ेगा कि ये सब क्या है। ये तेरे दोस्त की करतूत है जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। हमेशा कहता था तुझे कि ये गरीब खून चूसने वाले कीड़े होते हैं। कभी ये दीमक बनकर अपनी दौलत निगल लेते हैं, तो कभी सांप बनकर अपनी इज्जत और शराफत को डस लेते हैं। देख देख,
तेरी होने वाली बीवी तेरे दोस्त के साथ अपना मुंह काला कर चुकी है। देख। नहीं नहीं ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। तो तू बता कि एक जवान लड़की और एक जवान लड़का अधनंगी हालत में किस वक्त मिलते हैं, क्या करने के लिए मिलते हैं बता। अजय अजय ये हम पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है यार। यार ये हम दोनों को फंसाने की कोई साजिश है। मैं साबित कर सकता हूँ कि ये सब झूठ है। चाचा जी बताइए इन्हें कि यहाँ आने से पहले हमारे साथ क्या हादसा हुआ था, बताइए इन्हें। कौन सा हादसा? हम लोग तो घर से सीधे यहाँ आ गए। चाचा जी झूठ मत बोलिए, चाचा जी प्लीज झूठ मत बोलिए, ये मेरी इज्जत का सवाल है चाचा जी, आपकी बेटी की इज्जत का सवाल है, झूठ मत बोलिए प्लीज झूठ मत बोलिए। इधर कुछ और बोलना चाहिए था क्या? तू बोलना, मैं क्या बोलूं? ये खुसर पुसर क्या कर रहा है? जो कुछ बोलना है जोर से बोल, ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है, समझा? बोल आराम से, सच सच बोल, हड्डियां तोड़ दूंगा। मुझे बोल दे साहब। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मैं सच सच बोलता हूँ साहब। साहब ये जो मेरी भतीजी है ना, इसके चाल चलन ठीक नहीं है साहब। पिछले कई महीनों से राजा के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात है। इतना ही नहीं साहब, ये तो इसका बच्चा भी गिरा चुके हैं साहब। मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस बंद करते रहिए नाटक, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुझे। अजय तू भी इनकी बातों पे यकीन कर रहा है? मधु तुम तो मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं मधु, मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं कि मैं सच कह रहा हूं। हाथ मत लगाना मुझे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। अजय से कहो कि ये यहां से चला जाए। देख राजा, इससे पहले कि मैं अपने होश को बैठूं, चला जाए यहां से। अजय तो मेरी बात नहीं, अजय जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर दूं मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तो फिर ठीक है, इस घर से तेरी लाश ही जाएगी, मेरा यकीन करा जाए। झूठ बोलता है तू। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। You cheated me. अजय यहां पे इल्जाम लगा जा रहा है। अजय why don't you understand? You bastard. अजय पागल हो गए तुम? Get lost. अजय अजय क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? अपने बचपन की दोस्ती तोड़ रहा है, 20 साल की दोस्ती तोड़ रहा है तू, पागल हो गया है? दोस्ती मैंने नहीं, इससे थोड़ी है मामा, भाई से ज्यादा प्यार किया मैंने इसे, अपनी जान से ज्यादा चाहा, भरोसा किया। इसने क्या किया मेरे साथ, मेरे ही प्यार को? बाबा इससे कहो यहां से चला जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, चला जाए यहां से। कहाँ जा रही हो तुम? पता नहीं। चलो मेरे साथ घर चलो। नहीं मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती।
क्या बहन भाई पर बोझ होती है? जब नींद न आए जब याद सताए जब दिल घबराए जब गम तड़पाए इसे क्या कहिए मेरे रब तू बता इश्क है इश्क है इश्क है इश्क हार भी है इश्क जीत भी है दिल का दुश्मन भी है दिल का मीत भी है इश्क है इश्क है हाँ यही इश्क है इश्क हार भी है इश्क जीत भी है जीत भी है दिल का दुश्मन भी है दिल का मीत भी है इश्क है इश्क है हाँ यही इश्क है दुखाए इश्क इश्क चैन चुराए इश्क 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 आखिर है क्या मैं भी हैरान हूँ इश्क है इश्क है हाँ यही इश्क है जब नींद न आए जब याद सताए
नर्स एक्सक्यूज मी, यस, मुझे डॉक्टर सर्जन से मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे? वो डॉक्टर नीता मेहता के रूम में है। थैंक यू, शील भी और है। डॉक्टर साहब, राजा तुम? डॉक्टर साहब, काजल की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर साहब जरा उसे देख लीजिए प्लीज। राजा, ये मैटरनिटी हॉस्पिटल है और मैं यहाँ इमरजेंसी विजिट पर आया हूँ, मैं इसे यहाँ नहीं देख सकता, तुम्हें इसे मेरे क्लिनिक पर लेके आना चाहिए था। मैं वही गया था डॉक्टर साहब, पता लगा आप यहाँ अस्पताल में है, इसकी तबीयत बहुत खराब है, कुछ देर पहले तो ये बेहोश भी हो गई थी। डॉक्टर मेहता, कैन आई यूज योर केबिन? जी जरूर, इस रूम में लेकर आओ। काजल आओ। राजा, अच्छा वो तुम इसे यहाँ ले आए, सीवियर डिप्रेशन की वजह से इसे लो बीपी हो गया, दवाइयाँ मैं लिख के देता हूँ, टाइम टू टाइम देते रहना, शील बी ऑलराइट। थैंक यू डॉक्टर। सवाल क्या? सुनिए भाई साहब, ये लड़का लड़की यहाँ क्यों आए थे? अरे साहब, मर्द अपनी औरत को उस वक्त यहाँ लाता है जब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। मधु बेटी, मधु बेटी, क्या बात है? डैडी, जिनकी वजह से हमारा सुख चैन, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो तो ऐसे ऐसे जी रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। मधु बेटी, बेटी मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, एक बाप होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा, तुम्हारी जिंदगी में फिर से बाहर आ सकती है, फिर से खिलखिला सकते हो तुम दोनों, सिर्फ अपने बाप की एक विनती मान लो, तुम दोनों घर बसा लो, शादी कर लो। डैडी, अब ना मत करना बेटी, ना मत करना, आज तक मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, क्या आज तू अपने बाप की झोली में एक छोटी सी खुशी नहीं डालेगी? प्लीज बेटी। बस डैडी, पहले ही बहुत दिल दुखा है आपका, अगर ये शादी आपको थोड़ी सी भी खुशी दे सकती है तो हम आपके फैसले से इनकार नहीं करेंगे। बेटी, मधु ठीक कह रही है डैडी, उन लोगों की बेवफाई की वजह से हम क्यों घुट घुट कर मरे, जो रिश्ता रहा ही नहीं फिर उसका मातम कैसा, हम भी उन्हें जीकर दिखा देंगे डैडी, हम भी उन्हें जीकर दिखा देंगे। अजय, जो कुछ तू कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है, आई डोंट लाइक दिस। काजल, दवा पी लो। सवाल क्या हम अंदर आ सकते हैं? बैठो।
नहीं राजा, इस बिस्तर पर तो सिर्फ तू ही। कैसी बातें करते हो अजय, देखते नहीं उसकी क्या हालत है। काजल, सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या फिर से मां बनने वाली हो? देखो अजय, देखो इसके ये आंसू तो देखो। ये मासूम चेहरा देखकर तो कोई भी धोखा खा सकता है, नहीं? ये कंबक चेहरा भी बहुत अजीब चीज है। आप कोई सोच सकता है कि शक्ल से इतने मासूम और भोले लगने वाले अंदर से इतने कमीने और कपटी हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। ये देखो ना, ऐसी तो मिसालें तो हमारे सामने ही हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपना दिल, अपना जमीर, तो क्या अपनी आत्मा तक को बेच दिया है। Will you please shut up? You shut up and listen to me. हम लोग यहाँ तुम लोगों की रंग रलियों का तमाशा देखने नहीं आए हैं, बल्कि ये बताने आए हैं कि हम दोनों ने भी एक होने का फैसला कर लिया है। लेकिन फर्क होगा तो सिर्फ इतना कि हम दोनों के संबंध तुम लोगों जैसे नाजायज नहीं होंगे। ये रहा हमारी शादी का कार्ड, वी आर गेटिंग मैरिड। काजल, 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 दरवाजा खोलो, काजल, 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 ये तुम क्या कर रही हो? काजल, काजल नहीं, काजल लो, काजल तुम ऐसा नहीं करोगी, काजल, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, stop it, काजल, काजल क्या कर रही हो? काजल क्या कर रही हो? Don't, तुम ऐसा नहीं कर सकती, काजल। तुम क्या समझती हो, मर जाने से हमारे पर लगाए हुए इल्जाम मिट जाएंगे? नहीं काजल, नहीं, मौत इस मसले का हल नहीं है। जिन्होंने हमारी जिंदगी को इस मुकाम तक पहुंचाया है, मैं उन्हें वो सबक सिखाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। से भी पत्थर निकला। आ, 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 आ,
यही है वो कमीना जो मेरे बेटे की जान लेने पर तुला हुआ है। अरेस्ट हिम। चलो गिरफ्तार कर लो साले को। चलो मेरे साथ कैसे जानवरों जैसा सलूक किया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। Welcome, my son. Welcome. अरे भाई अजय को अंदर ले जाओ। हमारे सपने कामयाब हो गए हरबू। हम समधी बन गए। शादी हमारे बच्चों की है। हाँ रंजीते, हाँ हमारे मंसूबे कामयाब हो गए। हम जीत गए रंजीते, हम जीत गए। हम यहाँ जश्न मना रहे हैं और वहां उस हरामजादे की धुलाई हो रही है। एक की लड़की पे हक आता है, मत मारो इसे। इसने कोई गुनाह नहीं किया है। राजा निर्दोष है। मत मारो इसे प्लीज। निर्दोष नहीं, रेपिस्ट है ये। और आज ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। मारो साले को। ए, कहाँ से चली आ रही है? पता नहीं बड़े लोगों की शादी है। देखिए भाई साहब, मैं हूँ। बहादुर, आने दे उसे, अंदर आने दे। सेठ जी वो मर जाएगा। सेठ जी उसे बचा लीजिए। सेठ जी वो पुलिस वाले उसे मार डालेंगे। सेठ जी उसे दया की भीख मांगती हूँ। सेठ जी अरे यही सजा है उस कमीने की। हमसे टकराने की जुर्रत की थी उसने, उसको तो हम तड़पा तड़पा कर मारेंगे। नहीं सेठ जी, समझ कीजिए। सेठ जी भगवान के लिए उसकी जान बख्श दीजिए। सेठ जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसकी जान बख्श दीजिए। सेठ जी बस निकल गई तेरी सारी आकड़, सारी हेकड़ी है। तू तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि इश्क में बहुत ताकत होती है, इश्क कभी नहीं हारता है। अब इन पैरों पर माथा रगड़ और बोल कि दौलत की ताकत के सामने इश्क की कोई औकात नहीं है, तब बख्शूंगा तेरे यार की जिंदगी। रगड़ माथा। आप ठीक कहते हैं सेठ जी, गरीब के प्यार की कोई औकात नहीं होती, कोई औकात नहीं होती। और एक बात सुन, अगर तू उसे जिंदा देखना चाहती है तो उसे लेकर ये शहरी नहीं बल्कि ये मुल्क छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। सीजी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। गुड गुड हरबो। इंस्पेक्टर, मैं हरबंस लाल बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी, कैसे याद किया आपने? छोड़ दो उसे। छोड़ दूं? हाँ, और सुनो, आज शाम 5 बजे जो पैसेंजर जहाज लागोस जा रहा है उसमें उस कुत्ते के पिल्ले और उसकी माशूका को बिठा के रवाना कर दो, और अगर वो शहर में दोबारा नजर आए तो सालों को गोली मार देना। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। जा, बख्श दी तेरे यार की जिंदगी। जा। नहीं जाऊंगा मैं ये शहर छोड़कर।
नहीं जाऊंगा इस तरह हार कर। मैं साबित करके रहूंगा कि हम बेगुनाह हैं, हम निर्दोष हैं। तुम ये साबित नहीं कर सकते राजा, ऐसा होने से पहले ही वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मरना ही था तो मुझे क्यों बचाया? क्यों दी मुझे ये जिंदगी? जवाब दो। अपने दामन पर लगे हुए दाग तो मैंने बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अपने भाई की लाश नहीं देख सकूंगी राजा, नहीं देख सकूंगी। बहन कहा था ना तुमने मुझे, अब इसी रिश्ते का वास्ता देती हूं। चलो यहां से राजा, प्लीज आप इस शहर में हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है राजा, सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है काजल, तुम जैसा कहोगी वैसे ही होगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। मैं बड़ा खुश हूँ मल्होत्रा साहब, ये रिश्ता हो गया, बहुत बहुत बधाई हो। सेठ जी कन्या को बुलाइए। जल्दी करो, जहाज छूटने का टाइम हो गया है, सामान उठाओ और जीप में बैठो। मेरे विघ्नम कुरुमे देव शुभ कार्ये यु सर्वदा, अनं त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे, यसो मम आहम। वरवधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा, स्वस्ति न भूपा विश्वविदेवा। अरे शुरू होते ही ये लाइट क्यों चली गई? जरा देखे तो। अरे बिहारी रामू जी साहब, ये झूमर कैसे बंद हो गए पता करो। मैं अभी देखता हूँ साहब। देखो तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं साबित करना चाहता हूं कि तू कितना कमीना और गिरा हुआ इंसान है। आज मैं दुनिया के सामने बताऊंगा तेरा असली रूप क्या है। सुन अजय, जिस रात काजल और राजा मंगनी की पार्टी में आ रहे थे तभी रास्ते में तेरे बाप के खरीदे हुए कुत्तों ने अगवा कर लिया था काजल को, कपड़े फाड़ दिया उसके, नंगा कर दिया उसको, अरे जानवरों जैसा सलूक किया उसके साथ। तब तेरे दोस्त राजा ने इज्जत बचाई थी उसकी, और जब उस डरी हुई सहमी बच्ची को एक भाई की तरह तसल्ली दे रहा था, दिलासा दे रहा था, उस वक्त तस्वीरें खींची गई थी जिसे कुछ और ही रंग देकर पेश किया था सबके सामने तेरे बाप ने। राजा चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं निर्दोष हूं, बेगुनाह हूं, मगर तुझे यकीन नहीं आया। तब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कल रात राजा ने इसी हादसे को फिर से दोहराया। वो उसी तरह मधु को उठाकर ले गया और तूने भी उसी तरह मधु की इज्जत बचाई। और जब इस डरी हुई सहमी बच्ची को तो दिलासा दे रहा था ना, उसी वक्त तस्वीरें खींची थी हमने ताकि तेरे आंखों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अब भी तुझे यकीन नहीं आता ना तो पूछ इस कमीने से जो तेरे बाप की साजिश में बराबर का हिस्सेदार है। कमीने बोल, बोल, बोल इसके सामने बोल। साहब मैं सच सच बोलता हूँ साहब,
साहब मैं गुनहगार हूँ। उस दिन पार्टी में मैंने जो कुछ भी कहा था सब झूठ था, और ऐसा कहने के लिए आपके पिताजी ने मुझे 2,00,000 रुपए दिए थे साहब। मतलब ही बदल दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों बर्बाद की मेरी जिंदगी? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इसे मार डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा इसे, ये गुनहगार है। छोड़ दो मुझे, मैं इसे मार डालूंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तू गुनहगार है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे, मार डालूंगा। अजय, ये क्या कर रहा है तू? ये तेरा बाप है, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। इस आदमी की वजह से मैंने अपनी मोहब्बत पे शक किया, अपने भाई जैसे दोस्त पर हाथ उठाया मैंने, और आज इसकी वजह से मैं इतना बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। नहीं मधु, मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं मधु। मैं जीना नहीं चाहता मधु, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता। अजय, अजय, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, जो तुम पर बीत रही है वो दर्द मैं भी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अपनों ने मेरा दिल भी तोड़ा है, मुझे भी धोखा दिया है। लेकिन अजय, ये वक्त अपने आप को सजा देने का नहीं है, ये वक्त है उनसे माफी मांगने का, जिनकी जिंदगी हमारी वजह से नर्क बन गई। हाँ अजय, हम उनके पास जाएंगे, उनके पैरों पर सर रखकर उनसे माफी मांगेंगे, तभी हमारे गुनाहों का प्रायश्चित होगा। अजय, तभी हमारे गुनाहों का प्रायश्चित होगा। ये सच कह रही है बेटा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए जा उन्हें रोक ले, क्योंकि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़ के जा रहे हैं बेटा। एक बात सुनो, दोबारा इस शहर में दिखाई दिए तो गोली मार दूंगा, समझे? चलो काजल।
चलने की तैयारी करो, लिफ्ट द एंकर। ए, कहाँ जा रहे तू? सर, सर, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। तुम जल्दी से क्रेन को बुलाओ और गैंगवे हटाने की तैयारी करो। सर, सर ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। सर सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर ओके, जाने दो इनको। थैंक यू सर। आपने फोन करके ये शिप आधा घंटा लेट क्यों करवाया? अगर आज ये जहाज चला जाता ना तो हम अपने बच्चों की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाते। जिंदगी भर हमने गरीबों को कीड़े मकोड़े समझा, किसी नाली की गंदगी समझा, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि दौलतमंद होने के बावजूद भी हम कितने गरीब हैं। हमारी सच्ची दौलत तो तुम हो मेरे बच्चों, तुम हो। बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन जब माँ बाप से गलती हो जाए तो बच्चों का भी फर्ज है कि उन्हें माफ कर दे। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो डैडी। जी वाह, हाँ वाह, ऊपर वाले तेरा खेल निराला, कुत्ते की दुम को सीधा कर डाला। जीजू।
मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा तेरी बातों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा मेरा दिल धड़काए, मिस्टर लोवा लोवा मेरी जान ये जाए। से बोलना अखियां तू मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार।